आज मैं आपको लेकर के चलता हूँ हरिद्वार से चंबा के सफ़र पे, और रास्ते में कुछ इस तरह से टाइमलेस वीडियो मैंने रिकॉर्ड किए, जो कि इस वीडियो में कंप्लीट टाइमलेस वीडियो मिलेगा और रास्ते के व्यू मिलेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। अभी हम लोग हैं हरिद्वार में और यहीं पे महादेव जी की विशालकाय मूर्ति, जो कि आपको देखने को मिल रहा होगा। विशालकाय मूर्ति है शिव जी की, महादेव हमारे, महादेव हमारे, शिव जी हमारे, महादेव यही हमारे शिव जी और यही हमारे महादेव, जिनकी विशाल मूर्ति आप देख रहे हो। विशाल मूर्ति की, विशाल मूर्ति आपने देखी नहीं होगी इस जगत में, इस जगत में विशाल मूर्ति, सबसे विशाल मूर्ति, बहुत विशाल है। यहाँ पर मैंने एक छोटा सा टाइमलेस वीडियो ले लिया महादेव का। ये स्वामी विवेकानंद पार्क के अंदर का है, जो कि आप देख रहे हो सामने, एक छोटा सा टाइमलेस वीडियो। फिर हम चलते हैं अपने आगे के सफर पे चंबा के लिए। बस मैं निकल रहा हूँ हरिद्वार से चंबा के लिए, और यहाँ से 2 घंटे का ही सफर है, 2 घंटे में आप चंबा पहुँच जाओगे। पर हरिद्वार में इतनी गर्मी फेस नहीं कर पाओगे जितनी गर्मी है। ओ गॉड, कितना अच्छा व्यू आ रहा है। माँ गंगा का अगर वीडियो बनाता बहुत अच्छा आता, इसी टाइम जो होता है ना वीडियो अच्छा बनता है। महादेव का बना तो लिया, चलो चलते हैं हरिद्वार से बाहर की तरफ और मिलते हैं आगे के सफर में। ओ, 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 क्या हो रहा है यहाँ पे, कंस्ट्रक्शन हमेशा ही चल रहा है। स्वामी सर्वानंद घाट आप देख सकते हो हमारे लेफ्ट हैंड साइड में, स्वामी सर्वानंद घाट है। हो भूख भी लग रही है, क्या कर सकते हैं, भूख लग रही है तो लग रही है, उसका कोई सलूशन नहीं है, कोई तोड़ नहीं है। भुक्त वाला क्या है ये, भुक्त वाला जो मौसम है यही है, व्यू नजारे जो भी आपको चाहिए हर चीज मिलेगा इस मौसम में। गर्मी भी मिलेगा, गर्मी चाहिए तो गर्मी भी है, गर्मी भी कम नहीं है। हरिद्वार में पसीने छूट रहे हैं, मैं पूरा पसीने से गीला हो चुका हूँ, हरिद्वार में इतने पसीने छूट रखे हैं। जय श्री राम। हरिद्वार से निकलो, 2 घंटे के अंदर पहुंचने वाला हूं चंबा। हरिद्वार से लोग ऋषिकेश से पहुंचते हैं ना, मैं पहुंचूंगा 2 घंटे के अंदर सीधा चंबा, और चंबा में ही होगा अपना रेस्ट वेस्ट जो भी होगा। यहां से काफी दूर है वैसे, 80 किलोमीटर है, बहुत कम है, 80 किलोमीटर कुछ भी नहीं होता, 2 घंटे भी नहीं। और चंबा का रास्ता तो आपको पता ही है, क्या सॉलिड रास्ता है, बिल्कुल 4 लेन है। पिछली बार मैं हरसिल ट्रिप में आपको दिखाया था चंबा का रास्ता, तभी हरिद्वार क्रॉस नहीं हुआ, बस क्रॉस करने वाला हूँ। और दिक्कत आजकल यह है, जो इतने भी हाई परफॉर्मेंस डिवाइसेस हैं वो धूप सह नहीं पाती। मेरे पास 1+11 है, वो भी धूप नहीं सह पाता, वो भी बंद हो जाता है। गोप्रो मेरे पास 12 है, गोप्रो 12 वो भी नहीं धूप सह पाता। धूप तो इनके बस की बात नहीं है, तुरंत बंद होते हैं, टू 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 करके हो गया इनका काम। और मेरे पास जो पुराने फोन थे वही काम आ रहे हैं, नए वाले तो सब बेकार हैं, इनकी तो कैपेसिटी नहीं है, भले ही ये कितने अच्छा परफॉर्म कर लें। वाह, इन पहाड़ों को, इन बादलों को देखने ही तो मैं आता हूं, इसके लिए हम आते हैं इन पहाड़ों में। वो मिल गया हमें हाइट पे, वहीं पे देखें कुछ, क्योंकि जब टाइमलेस वीडियो आप बनाने लगते हो ना बहुत टाइम लगता है टाइमलेस बनाने में, 10 मिनट तो आपको छोड़ देना है। पर मेरे पास प्लस पॉइंट ये है कि मेरे पास 2 मोबाइल एक गोप्रो है, 3 डिवाइसेस हैं, तो 3 डिवाइसेस में काम कर देता हूँ। ओहो क्या व्यू है, क्या नज़ारे, इन्हीं व्यू इन्हीं नज़ारों के लिए मैं आता हूँ पहाड़ों में, क्योंकि हमारा साकार होता हुआ सपना, सपना है हमारा साकार, सपना सपना चौधरी, सपना है सपना साकार होता हुआ सपना, जिसके लिए हम आते हैं। वाओ अमेजिंग व्यू, अमेजिंग प्लेसेस। और ये रास्ता जो कि आपको याद होगा, इस पर जिस जब मैं राइड करता था, शा 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 शा, ये रास्ते तो हर किसी को याद होगा, क्यों नहीं याद होगा,
रास्ता ही ऐसा याद करने लायक है, रास्ता याद तो हो गई। और सबसे अच्छी बात, मैंने जो चार्जर ले लिया ना, वो मैंने सबसे अच्छा काम किया। गोप्रो का चार्जर तो चाहिए, और दो एक्स्ट्रा बैटरी भी ले रखा है मैंने, तो कोई दिक्कत नहीं होता। दो चार्ज होते रहता है, एक लगता है, जब तक डिस्चार्ज होगा तब तक दूसरा चार्ज होता है। और दो मेमोरी कार्ड लिया मेरा, एक दिन 256 GB मैंने कर लेता हूँ रिकॉर्ड, नेक्स्ट टाइम से करूँगा 256 GB का एक और मेमोरी कार्ड लेने की कोशिश करता हूँ मैं। तब टाइम हो चुका है टाइमलेस वीडियो शुरू करने का, और मैंने रास्ते का ही टाइमलेस वीडियो ले लिया था। वैसे तो वीडियो में आगे बहुत सारे टाइमलेस वीडियो मिलेंगे आपको, जिसमें बादल का व्यू दिखेगा, पर अभी मैंने रास्ते का ही टाइमलेस वीडियो दे दिया ताकि वो वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। मैं कोशिश करता हूँ कि हर एक वीडियो आधे घंटे के अंदर कहीं हो, क्योंकि इतना टाइम किसी के पास नहीं होता जो बैठ करके वीडियो देखता रहे। बस एक आइडिया मिल जाए आपको कैसे रास्ते और क्या सीन है यहाँ पे रास्ते, और कैसे रोड है, रोड कंडीशन, जाम क्या है, ये सब चीज़ें आपको पता चल जाए। बस इसीलिए मैं पूरा मोटो ब्लॉगिंग करता हूँ। और नेक्स्ट ब्लॉग में हमारे पास होगा ड्रोन, ड्रोन ज़रूर रखना है अगले में। हमें करने हैं ब्रिज क्रॉस, ब्रिज क्रॉस करके हम 700 ऊपर चढ़ जाए चंबा वाले रूट पे, चंबा ही चलते हैं, ऊपर से नज़ारे अच्छे आएंगे, बादल वगैरह दिखेंगे। यही टाइम है, सही टाइम है भाई, चलो सफर शुरू हो गया। ऋषिकेश बस खत्म नहीं होने वाला है, और नरेंद्र नगर तरफ देखूंगा अगर टाइम मिले तो, वहां से बहुत अच्छा व्यू आता है ऋषिकेश का। मुझे तो इन पहाड़ों के टाइम लैप्स निकाल लें, पहाड़ों के ऊपर जब बादल निकलेगा टाइम लैप्स वीडियो बनेगा ना, मजा आ जाएगा। इतनी दूर आया हूँ वीडियो बनाने, तो सोच सकते हो क्या व्यू आएंगे मेरे चैनल पे, कितने सब्सक्राइबर 1 मिलियन पहुंचने वाले हैं व्यू। और जो ये जो व्यू होगा मिलियन में आएंगे इसके लिए, क्योंकि मैं इतना उम्मीद से आया हूँ। एक है बुलेट राजा, बुलेट राजा यूके फॉरेन 1413। आई थिंक मैं चढ़ने वाला हूँ उसी हाईवे पे, चंबा वाले पे। चलो देखते हैं क्या नजारे हैं। बस 4 लेन में एंटर करना है बस में। हो अभी नहीं आया यार 4 लेन, कहाँ पे है तुम्हारा 4 लेन? फिर उसके बाद बस चढ़ते ही जाना है चंबा साइड ना, चढ़ते ही जाना है। और नरेंद्र नगर से पहले इतना बड़ा चौड़ा रोड आता है, वो पॉइंट बहुत मस्त था, इसीलिए मैं फिर से आया हूँ। देखो गर्मी में और मानसून में बहुत अंतर हो जाता है। हो चढ़ाई शुरू हो गया है, बस चढ़ने चढ़ने हैं हमें। बहुत चौड़े रोड हैं ये सारे, चौड़े रोड हैं। पेट्रोल 200 किलोमीटर तो चल दिया मैंने, पेट्रोल का क्या, पेट्रोल होगा अभी, अभी है 200 किलोमीटर मतलब 4 लीटर तो गया, 10 लीटर तो 6 लीटर भी है, 50% पेट्रोल है, 50% पेट्रोल है, नो प्रॉब्लम, वी हैव 50% पेट्रोल, वी हैव, आई हैव 50% पेट्रोल। तो आपको दिख रहा होगा अब ऐसे ही रोड है, चौड़े चौड़े रोड है, पूरे चंबा तक मिलेंगे आपको ऐसी रोड, उत्तरकाशी तक ये रोड है ऐसी, चंबा तक ही नहीं। चलो हमारा सफर शुरू हो चुका है ऋषिकेश से ऊपर का चंबा के लिए, और देखो सामने व्यू हरियाली, बहुत अच्छे व्यू आने वाले हैं आगे। अभी तो स्टार्टिंग पॉइंट है, और आगे आपको एक ऐसे पॉइंट पे मैं लेकर के जाऊंगा जहां से पूरा का पूरा पूरा जो ऋषिकेश सिटी है वो दिखता है, इतना प्यारा व्यू है वहां पे। तो चलो हमें चलना है अभी आगे की तरफ, और आगे की तरफ चलने के बाद वहां से हम देखेंगे पूरा ऋषिकेश का व्यू। ये भी शुरू का पॉइंट है,
जहाँ से हमने ऊपर की तरफ चढ़ाई शुरू कर दी है। और बाइक चलाने का मज़ा इस पर बहुत आता है। एक्चुअली ये 4 लेन है, तो आप कभी भी आ सकते हो, बरसात हो, गर्मी हो या सर्दी का मौसम हो। यहाँ पे सभी महापुरुषों की प्रतिमाएं बनी हुई है, पेंटिंग्स से दिखाया गया सभी महापुरुष, जितने भी यहाँ पे श्री राम शर्मा आचार्य जी को भी दिखाया गया। हाईवे पर ही सभी महापुरुषों के तस्वीरें बनी हुई है। नरेंद्र नगर से जस्ट पहले हाईवे, यहाँ पे आपको सभी महापुरुषों के तस्वीरें देखने को मिल रही हैं। अगर आप नरेंद्र नगर जाओगे यहीं से रास्ता है, तो नरेंद्र नगर में ही ये चीज़ें मिलेंगी आपको, इस तरह से रास्ते, स्कूल, शौचालय, सारी चीज़ स्वच्छ हैं यहाँ पे नरेंद्र नगर के। अरे नंदी महाराज, यही नरेंद्र नगर बहुत बड़े नंदी बने हुए हैं। सारे वाद्यंत्र सारे दिखाए गए यहाँ पे, जैसा कि देख रहे हो आप लेफ्ट हैंड साइड में, ये सारे ढोलक, शंख, सारे वाद्यंत्र हैं। तुरतुरी, वाह, ये चीज़ तो फायदा है इसमें गोप्रो में कि मैं चलते हुए भी वीडियो रिकॉर्ड कर पाऊँगा, मोटो ब्लॉगिंग यही होता है। चलो, और वो पॉइंट मुझे ढूंढना है यार जहाँ से पूरा ऋषिकेश दिखता है। फिर से आगे हमारा एक और व्यू, इस तरह से पेंटिंग बहुत जगह बनी हुई है। सूर्य नमस्कार का पेंटिंग दिखाया गया पूरे रास्ते में। जब आप ऋषिकेश से जैसे ऊपर चढ़ोगे चंबा के लिए, तो नरेंद्र नगर से पहले बहुत सारे बने हुए हैं पेंटिंग। नरेंद्र नगर का वीडियो हमारे पास सेपरेट इस चैनल पर है, वहाँ आप जाकर के देख सकते हो। पूरा देखो कितना प्यारा सूर्य नमस्कार दिखाया गया यहाँ पे, जैसा कि आप देख रहे हो। और ये मैं रोक नहीं पाया यहाँ पे, बाइक से चलते चलते मैंने वीडियो रिकॉर्ड की है। पर अच्छा व्यू है, बोर नहीं होगा रास्ते में, बहुत प्यारे व्यू आते रहेंगे। इस तरह से देखो, फिर से आ गया नया पेंटिंग, ये थोड़ा पुराना हो गया, वो पानी ऊपर से आ गया इसलिए पुराना हो गया, पर बहुत खूबसूरत है। और रिक्वेस्ट है कि यहाँ पे गंदगी ना फैलाएं जब भी आप आ रहे हो। तो ये देखो पूरा पेंटिंग बना हुआ, यहाँ भी पेंटिंग बना हुआ है, हनुमान जी दिखाए गए हैं, शिव जी, ये क्या क्या है, बहुत सारे मंदिर हैं, टेम्पल हैं ये सारे। फिर क्या आ रहा है अभी, ओम, इस तरह से बहुत सारे पेंटिंग है, ओम लिखा हुआ था। नमस्ते नमस्ते नमस्ते, हमारे कल्चर, हमारी संस्कृति, हमारे कल्चर, हमारे संस्कृति। ये है सामने हमारा ऋषिकेश सिटी, जो कि दिख रहा है। बादल कितने अच्छे बन रहे हैं यहाँ पे, मज़ा आ रहा होगा देख करके, कैमरे में तो और मज़ा आता है। सामने से तो ऐसा लग रहा है, पर कैमरे जब वीडियो बन रहा हुआ है हमारा ऋषिकेश से सामने। चलो दिखाता हूँ, थोड़ी दूरी पर एक ऐसा प्लेस आएगा, ऐसा पॉइंट आएगा जहाँ से आपको पूरा ऋषिकेश सिटी दिखेगा, और मैं दिखाऊँगा आपको टाइम लैप्स में, दिखाऊँगा किस तरह से वहाँ पर बादल बनते हैं। ये हमारा टाइम लैप्स वीडियो जो कि आप देख रहे हो नीचे, नीचे जो है वो है पूरा ऋषिकेश सिटी। ऋषिकेश सिटी देखो कितना प्यारा दिख रहा है, और ऊपर आसमान में बादल, कितने प्यारे बादल बन रहे हैं। तो इस पॉइंट पे आप ज़रूर आना, ये पॉइंट बहुत ही सुंदर है। मैं जितनी बार भी चंबा के रास्ते पे आया हूँ, और यहाँ पे मैं ज़रूर रुका हूँ। और यहाँ पर जब भी आप रुकोगे तो कोई ना कोई मिल जाएगा, यहाँ पर बहुत सारे लोग आते हैं, फ़ोटो खींचते हैं, अपना टाइम स्पेंड करते हैं यहाँ पर, कुछ लोग खाना नाश्ते करते हैं यहाँ पर, बहुत सारे लोग मिल जाते हैं यहाँ पर, लोकल लोग भी मिल जाएंगे आपको, उनसे बात कर लेना आप। बहुत प्यारी व्यू है और बहुत ही अच्छी प्लेस है यहाँ पे। बस आप लोग गंदा मत करना, मैंने देखा है खाते पीते हैं लोग यहीं पे फेंक करके चले जाते हैं। तो ये पॉइंट ज़रूर आपको याद रखना, जब ऋषिकेश से ऊपर की तरफ आओगे तो एक चौड़ी सी रोड है, वहीं पे एक पॉइंट है, बस आपको ये चीज़ ध्यान रखना है, यहाँ ज़रूर रुकना। और इस तरह से अगर आपके पास टाइम हो तो आप मेरी तरह यहाँ पर टाइमलेस वीडियो बना सकते हो, देख सकते हो किस तरह से टाइमलेस वीडियो कितना प्यारा है, और क्या बादल दिख रहे हैं आसमान में। ये वीडियो सबसे प्यारा है आज तक के सफ़र का, सबसे अच्छा यही मेरा है, यही वीडियो, इसमें मैंने बहुत सारे टाइमलेस वीडियो बनाए थे। आगे अगर आप वीडियो में देखोगे, एक चीज़ नहीं मिल रहा था खाने को, इस टाइम हर चीज़ है, और पूरा बिजी रोड, इतना बिजी रोड हो रखा है, बताओ समान है भाई, भाई लिफ्ट में आ रहा था पर मेरे पीछे तो बहुत सामान बंधा हुआ है, कहाँ स्लिप दे पाऊंगा मैं। हम्म,
अभी और ऊपर जाना ना, मैं तब देखना, आधे घंटे ड्राइव करने के लिए बोला था भाई ने, आधा घंटा और ड्राइव करना फिर देखना। तो चलो अभी 5 बजे के बाद देखेंगे कि क्या चेंज हुआ दुनिया। जैसे मैं नरेंद्र नगर से पहले पहुंचा तो वहां पर नरेंद्र नगर के पास ही एक धारा का पानी था। आपको तो पता ही होगा धारा का पानी कितना प्योर होता है, आपके घर में जो फिल्टर आरओ लगे रहते हैं उससे कई गुना प्योर पानी होता है धारा का। तो मैं यहाँ पर रुक गया कुछ देर के लिए, मैंने अपने मुँह हाथ धोए। जब मुँह हाथ धो रहा था मैं तो बहुत ही ठंडा लग रहा था, बहुत ठंडा ठंडा पानी, बिल्कुल फ्रेश फील होगा आपको। तो इसी तरह से मैंने अपने सफ़र में धारा का पानी पिया और आगे के रास्ते के लिए भी मैंने पानी भर लिए थे यहाँ से। और यहाँ पे दो धारा दिख रहे होंगे आपको साइड वाला, तो मैंने दोनों जगह पानी पिए थे। और देखो जैसा कि मैं पानी पी रहा हूँ धारा का पानी, आपके लिए भी मैं रिकमेंड करता हूँ कि जब आप सफ़र पर जा रहे हो कहीं पहाड़ों में धारा का ही पानी पिए, और ज़्यादा साफ़ होता है। बस आपको ध्यान रखना है यहाँ पर गंदगी ना फैला। लोग क्या करते हैं पहाड़ों में आते हैं सारे गंदगी यहीं पर छोड़ के चले जाते हैं, तो ये सब आदत सही नहीं है। पहाड़ों में आ रहे हो तो स्वच्छ रखो। मैं वीडियो बना ले रहा हूँ, आप देखना आपको अत्यंत ही सुंदर लगेगा जितना अच्छा वीडियो बन रहा है यहाँ पे। आई लव उत्तराखंड, आई लव यूके, लव यूके, लव यूके। ओहो ऐसा ही आया था व्यू मुझे चक्राता में, जब मैं चक्राता जा रहा था कुछ ऐसा ही था। और आज भी अल्टीमेट व्यू के साथ में राइड कर रहा हूँ उत्तराखंड के पहाड़ियों में, उत्तराखंड जो कि है देश का देवभूमि। ओहो ये व्यू होता है, ये होता है, इसे कहते हैं व्यू। क्या पहाड़ और उसमें बादल, क्या देखूं क्यों ना देखूं, यही होता है। अभी आधे घंटे अगर मैं और ड्राइव किया तो क्या व्यू आएगा वहां से, वो मैं सोच रहा हूँ, क्या नज़ारे होंगे वहां से। ओहो ओहो ओ गॉड, क्या मस्त व्यू है भाई। सलाम वालेकुम हो गया था। ओ गॉड क्या नज़ारे, क्या बादल। मैं पहाड़ों का रहवासी तू दिल्ली रहने वाली, वो पहाड़ी आ गया, मैं पहाड़ी, मैं पहाड़ी उत्तरी, वो पहाड़ी, वो पहाड़ी। अरे यार क्या बताऊं मैं, क्या व्यू है भाई। थोड़ा राइड करके ऊपर पहुंची फटाफट, बस 10 किलोमीटर आ जाना चंबा, चंबा तो और हाइट पे, तो क्या व्यू होगा चंबा से, कुछ कह नहीं सकते। और इतना ठंड लग रहा है यार, मैं आ गया हूँ स्विट्जरलैंड, यूके में स्विट्जरलैंड में आ गया मैं तो। जो लोग सुना करते हैं देखा करते हैं आज मैं वहां पे हूँ। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। अजीनोरी ओ टिगड़ी टिगड़ी ओ इगले इगले, यार इतने सारे चीजें कैसे खुल सकते हैं अचानक से, नहीं तो मैं उधर जाता ही क्यों नीचे साइड। और उनके आगे खाना, वाओ जस्ट से वाओ, जस्ट से वाओ, खाना जस्ट से वाओ। ए हसी बादियां ये खुला आसमां, हम कहां आ गए मेरे साजना। अब इसके पीछे जाना पहाड़ के, फिर ऊपर चढ़ना ऊपर ऊपर, अरे बिजली का तार लाना। ओहो यार कितनी तरक्की कर दिया हमारे देश ने, हमारे देश ने इतनी तरक्की की है, इतनी तरक्की की मैं बता नहीं सकता कितनी तरक्की की हमारे देश ने। अब क्या नहीं है पहाड़ों में, हर चीज है, बिजली है, बिजली है, बताओ बिजली है पहाड़ों में, हजारों फीट के ऊंचाई पे बिजली है, स्पीति में बिजली है, यहां बिजली है, देश तरक्की किया, कितना किया। ओहो
जैसे जैसे मैं ऊपर की तरफ जा रहा हूँ तो व्यू कुछ अलग ही आ रहे हैं, बहुत प्यारा व्यू आ रहा है, बादल आसमान में, मानसून का समय, और ऐसा नहीं लग रहा कि बरसातों में मैं आया हूँ, बहुत प्यारा व्यू आ रहा है। और सबसे बड़ी बात, हर तरफ हरियाली है, अगर गर्मियों में आप आओगे तो धुंध धुंध होता है, वैसा कुछ ही नहीं है, आसमान साफ, बादल। और इसके बाद हमारा नेक्स्ट टाइम लैप्स वीडियो शुरू हो चुका है। ये मुझे रास्ते में मिला था एक पॉइंट जहाँ पे वी शेप में पहाड़ है, अगर आपको कहीं भी वी शेप में पहाड़ मिल जाए तो वहाँ जरूर टाइम लैप्स वीडियो बनाना, बहुत प्यारा व्यू आता है। देखो मैं तो बनाया, बहुत तेज़ है टाइम लैप्स। एक्चुअली पहाड़ पे बादल धीरे धीरे चल रहे थे तो मैंने टाइम लैप्स को और थोड़ा तेज़ किया, और ये तीन तरह से मैंने टाइम लैप्स बनाया, तीन व्यू आपको दिख रहे होंगे। तो आप वीडियो में बने रहना और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। और फिर मैं और ऊपर की तरफ चला चंबा के लिए, रास्ते भी बन रहे हैं, कई जगह पे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, वैसे तो रास्ता बहुत चौड़ा है पर ठंड भी बहुत लग रहा था, देख करके लग भी रहा होगा आपको कि हर जगह रुकने की व्यवस्था है और होटल होम स्टे पूरे रास्ते में है। ऐसा नहीं है जैसा कि पहले 5-6 साल पहले था, अब सब कुछ डेवलप हो चुका है। ओहो कितना प्यारा व्यू, और ठंड लगने लगी है मुझे भाई, ठंड लग रही है मुझे, तुम्हें ठंड लग रही है? हाँ मुझे ठंड लग रही है, यहाँ पे ठंड लगेगी क्योंकि मैंने राइडिंग जैकेट भी पहन रखा है, फिर मुझे ठंड लग रही है, तो समझ सकते हो कि ठंड है। हाफ सी टी शर्ट में तो तोते उड़ जाते, तोते हाफ टी शर्ट में तो तोते उड़ जाते, तोते। सामने इधर उधर, फिर से मुड़ो, ऊपर नहीं चढ़ना क्या, नीचे उतरने क्या, हम पता नहीं। एक और पॉइंट मिल गया मुझे, वहां भी मैंने टाइमलेस वीडियो रिकॉर्ड कर ली, और देखो बादल, क्या बादल चल रहे हैं आसमान में, और नीचे पहाड़ ऊपर बादल, और कई जगह तो ऐसा है जहां पे मैं ऊपर था नीचे बादल। नेक्स्ट वीडियो जो हमारा आएगा उसमें आप देखना, बिल्कुल नीचे बादल होंगे मैं ऊपर होऊंगा। चलो मुश्किल से 2 किलोमीटर रह गया, यानी कि 4 मिनट लगेंगे, 4 मिनट के अंदर हम पहुंच जाएंगे चंबा। वैसे तो हम लोग पहुंच चुके हैं, चंबा सिटी में ही है, ये आउटर है होम स्टे, यहाँ पे खाना भी है। देखता हूँ मैं, कोशिश करूँगा कि चंबा में ही रुकूँ, बस थोड़ी दूरी पे रह गया चंबा, वो है हमारा चंबा सिटी, थोड़ी हाइट और मिल जाएगी हमें तो हमें जाना है चंबा में ही रुकना है। अभी रुकने का कोई फ़ायदा नहीं है मुझे, मैं वही सोच रहा हूँ कि रुकूँ तो चंबा में ही रुकूँ, थोड़ी हाइट पे ही रुकूँगा। 2 किलोमीटर मतलब अच्छी खासी चढ़ाई हो जाती है 2 किलोमीटर, तो 2 किलोमीटर और ऊपर रुकना है मुझे, सीधी नहीं फिर भी देखो आप चढ़ाई है। ओहो अच्छा था, अच्छा होम स्टे था, वैसे तो सही लग रहा था, देखता हूँ मैं, मेरा तो वही डिसीजन था कि 2 किलोमीटर ऊपर ही रुका जाए, 4 मिनट आना जाना जो बेस्ट जो टाइम होगा ना वो नहीं हो, वेस्टेज ऑफ टाइम। रूम सुविधा यहाँ भी है, और चलूँ क्या ऊपर, देखता हूँ फिर आते आते देख लूँगा लास्ट में, थोड़ा और ऊपर हमें जाने, ये भी सही है, सही लोकेशन था यार, नहीं हाँ ये सही तो सही लोकेशन है, ऐसे लग तो सही रहा। ओहो बारिश आने वाली है अभी, जो होटल होम स्टे आएगा इसी में मैं रुका था, ये सामने आ रहा है, इसी में मैं वापस आकर के रुका था, और मुझे पर नाइट पड़ा था 700 रुपये एक रात का, और रहना खाना यहाँ दोनों चीज़ सुविधा थी, तो इसी पीछे वाले होम स्टे में मैंने स्टे किया था, और वो सामने हमारा चंबा, तो चंबा तक चलता हूँ मैं फिर आपको दिखाता हूँ। बारिश हो सकती है, न्यू टिहरी के लिए किधर से रास्ता है? अच्छा ऊपर से, ठीक ठीक है, ठीक है भैया, तो न्यू टिहरी हमारा आ गई है। मैं भी सोच रहा हूँ यार, या तो इधर रुकूं या इधर रुक जाऊं, यहाँ देखें क्या रूम,
अब तो बस 800 मीटर रह गया। यहाँ कुछ है नहीं, यहाँ होम स्टे वगैरह नहीं है, कुछ भी नहीं है। ये सही रहेगा, पार्किंग शायद यहीं पे मिल जाए। छः किलोमीटर है चंबा। न्यू टिहरी आधा किलोमीटर बता रहा है भाई, यानी कि चंबा सिटी भी जाना नहीं पड़ेगा मुझे। ऐसा ही कुछ है। चलो चंबा आ ही चुके हम लोग। वो तो ज़्यादा नीचे वाला सरकंडा देवी, सरकंडा देवी देखता हूँ यार, और कोई मिल जाए ऊपर में रूम्स वगैरह तो अच्छा रहेगा। नहीं तो फिर नहीं, पीछे की तरफ ही देखना पड़ेगा। देख लेता हूँ यहाँ भी शायद मिल जाए। ओहो बारिश आ गई है तो पूरा मार्केट आ गया। यहाँ नहीं, थोड़ा सा नीचे ही चल करके देख लेता हूँ, रूम मिल जाएगा शायद से। ये है चंबा मार्केट, पूरा मार्केट यहीं पे। अब देखता हूँ एक टिहरी के लिए शायद से, न्यू टिहरी का रास्ता इधर से है चंबा मार्केट पूरा।